हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में हैं, मस्ती में? तो चलिए बाबू, हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का एनालॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन का क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है क्लास 12। तो चलिए देखा जाए क्या क्या हो रहा है क्लास में। तो सबसे पहले रेशम कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। रेशम कुमार प्रणाम सर। सागर रजो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग सर। कपिल देव कुमार गुड मॉर्निंग सर। एकदम बाबू सबको गुड मॉर्निंग। और आप लोग बाबू अधिक से अधिक लिंक को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को जैसा कि हम बताए हुए हैं, रीजनिंग बाय एसके गुप्ता सर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसके गुप्ता सर नाम से, वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कैरियर ब्रिज ऐप पर भी पीडीएफ मिल जाएगा और चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला इसमें क्या क्या है, क्लास स्टार्ट किया जाए। और आज बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन होना है। सबसे पहला सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं इसमें 69 नंबर क्वेश्चन है टाइप 2। रेशम कुमार बोल रहे हैं प्रणाम सर। हाँ बाबू प्रणाम। चलिए तो इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं टाइप 2 का क्वेश्चन है बाबू। उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है उसको जाना जाए। तो लिखा हुआ क्लोज और ओपन। क्लोज और ओपन एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होता है। क्लोज और ओपन एक दूसरे का बाबू अपोजिट वर्ड होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कट, कट मतलब हो जाता है बाबू काटना। कट मतलब हो जाता है क्या चीज, तो काटना। और काटना का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो जोड़ना यानी कि अटैच। काटना का अपोजिट वर्ड जो हो जाता है बाबू जोड़ना यानी कि अटैच। ऑप्शन हो जाएगा इसका एक नंबर ऑप्शन। क्लियर है सबका, समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 70 नंबर सवाल है क्या हमारे पास। देखिए इसमें 70 नंबर सवाल है। इसमें क्या चीज, देखिए इसमें लिख रहा है कि TAL के टॉक। टॉक मतलब हो जाता क्या चीज, टॉक मतलब हो जाता बाबू बातचीत। ठीक है, बात करना, बातचीत करना। और चैट मतलब भी होता है बातचीत। दोनों का दोनों मतलब होता है बातचीत करना से, यानी कि एक दूसरे का साइनो है यहाँ पर। तो यहाँ पर PORप्योर लिखा हुआ और इसका साइनो हो जाता है क्या चीज, तो डिस्पेंस। यानी कि इसका साइनो हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर, यानी कि डिस्पेंस ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। मेघालय, मेघालय लिखा हुआ और शिलोंग लिखा हुआ। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है। मेघालय लिखा हुआ और शिलोंग लिखा हुआ। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो बाबू शिलोंग है। तो उसी प्रकार से बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है ये बताइए, तो बिहार की राजधानी बाबू पटना। आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन हो जाएगा चार नंबर, ऑप्शन चार नंबर यानी कि पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राय और सॉब। CRY क्राय, क्राय मतलब हो जाता है रोना। क्राय मतलब होता है रोना। SOB सॉब मतलब होता है सिसकना। यहाँ पर रोना और ये सिसकना, तो रोना और सिसकना यानी कि रोते हैं, रोते हैं तो जोर जोर से होता आवाज, और सिसकना मतलब धीरे धीरे होता आवाज। यानी कि ये दोनों है तो एक ही चीज लगभग, लेकिन यहाँ पर क्या, एक है जोर जोर से और एक होता है धीरे धीरे से। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाता है लाफ। लाफ मतलब दिया हुआ हंसी। लाफ मतलब होता है क्या चीज, हंसना। तो हंसना का अब क्या होता है, हंसना का जो है, हंसना का होता है क्या चीज, तो दबी हंसी यानी कि चुकुकल। ये हो जाता बाबू यानी कि मतलब हंस तो रहे लेकिन खुल करके हंस नहीं रहे, खुल करके नहीं हंस रहे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन चार नंबर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, KNIFE नाइफ। नाइफ मतलब हो जाता है क्या चीज, तो चाकू। नाइफ मतलब क्या हो जाता है, चाकू होता है। नाइफ मतलब हो जाता है बाबू चाकू। उसी प्रकार से बटकर, इसका मतलब हो जाता है क्या चीज, तो कसाई। ये हो गया बाबू चाकू और ये हो जाता क्या चीज, कसाई, कसाई। तो यहाँ पर है सीजर। सीजर मतलब होता है कैंची। कैंची होता है तो कैंची, कौन कैंची का प्रयोग कौन काट करता है, तो कैंची का प्रयोग करता है बाल काटने वाला यानी कि नाई। और ये हो जाएगा हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर हो जाएगा इसका आंसर यानी कि ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कैप्टन है और सोल्जर है। कैप्टन है और सोल्जर है,
तो इसमें देखिए क्या हुआ, कैप्टन और सोल्जर, यानी कि ये है तो एक ही चीज लेकिन बाबू पोस्ट अलग अलग है, कैप्टन और सोल्जर। तो अब यहां पर क्या होता है, कैप्टन जो होता है उसका संबंध किससे होता है बाबू, सोल्जर से होता है। उसी प्रकार से इंप्लॉयर का संबंध किससे होता है, इंप्लॉयर का संबंध, इंप्लॉयर मतलब हो जाता है क्या चीज, इंप्लॉयर का मतलब हो जाता है बाबू नौकर, क्या बोलते हैं, नियोक्ता, यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला। तो उसका संबंध किससे, इंप्लॉय से, यानी कि कर्मचारी से, कर्मचारी से, इंप्लॉयर तो इंप्लॉय यानी कि कर्मचारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टेगेंट, और वहां पर दिया हुआ फॉलो, तो स्टेगेंट और फॉलो दिया हुआ है। तो इसका स्टेगेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, जबकि फॉलो का मतलब हो जाता है बहता हुआ, यानी कि यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, एक दूसरे का क्या एंटो है, अपोजिट वर्ड है। तो इसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ क्लियरिटी यानी कि अस्पष्टता, अस्पष्टता दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा डिलीशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बाबू बी, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना, इट और एट, इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होगा, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आंसर इसका कौन देते हैं, सबसे पहले इसका आंसर कौन देते हैं यह देखा जाए अभी। चलिए इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका। रेशम कुमार बोल रहे सर प्लीज सी एस सर को बुलाइए ऑनलाइन क्लास के बारे में। चलिए बाबू देखते हैं, बाबू सी एस सर को बोलिए ऑनलाइन क्लास के बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, डाउनलोड ऑप्शन दीजिए, डाउनलोड ऑप्शन मींस व्हाट, लाइव क्लास बाबू डाउनलोड थोड़ी होता है, लाइव क्लास लाइव होता है, लाइव के बाद देखिएगा उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, लाइव के बाद डाउनलोड का ऑप्शन होना चाहिए, होगा शायद। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का 76 का आंसर बताइए जल्दी से, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होना है जल्दी से। प्रणव कश्यप बोल रहे हैं डी आंसर, 76 का, 76 का आंसर बताइए, 76 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 76 का आंसर देखिए इसमें बाबू क्या लिख रहा है, देखिए इसमें क्या होना है क्वेश्चन में। तो इट का सेकेंड फॉर्म होता है बाबू एट, इट का सेकेंड फॉर्म होता है बाबू एट, तो बाय का सेकेंड फॉर्म होता है क्या चीज, बाउट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू चार नंबर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं रेस तो ट्रैक, रेस है और ट्रैक है, यानी कि रेस जो किया जाता है वो ट्रैक पर किया जाता है, ट्रैक पर होता है रेस, ट्रैक पे होता है। उसी प्रकार से बॉक्सिंग कहाँ होता है, तो बॉक्सिंग बाबू रिंग में होता है, बॉक्सिंग कहाँ होता है, तो बॉक्सिंग बाबू रिंग में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन, माउंटेन तो क्लाउड्स, माउंटेन है तो क्लाउड्स है, डेजर्ट है तो व्हाट है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा, माउंटेन है और क्लाउड्स है, यानी कि पर्वत है तो बादल है, तो उसी प्रकार से डेजर्ट मतलब हो जाता है रेगिस्तान, तो यहाँ पर सैंड यानी कि बालू, बालू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेगिस्तान, आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन एक नंबर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस और हिट, मिस और हिट से वही संबंध है, लेट का डैश से है, तो बाबू मिस मतलब होता है चूकना और विलो और हिट मतलब होता है पाना, यानी कि एक दूसरे का क्या है, ये अपोजिट वर्ड है, एक दूसरे का क्या है अपोजिट वर्ड है। तो उसी प्रकार से लेट मतलब होता है देरी से, तो अर्ली मतलब हो जाता है पहले, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू अर्ली, ऑप्शन बी यानी कि पहले, ऑप्शन बी, ऑप्शन दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लायन तो प्राइड, देखिए लायन के झुंड को जो है, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं, शेर के झुंड को जो है क्या कहते हैं प्राइड कहते हैं, तो उसी प्रकार से वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, और भेड़िया के झुंड को कहते हैं पैक, पी ए सी के पैक, पैक मतलब होता है भेड़िया का झुंड, ऑप्शन एक नंबर। चलिए आगे बढ़िए, ऑनर और नोबिलिटी, ऑनर है और नोबिलिटी है, तो यहां पर क्या हो रहा है इसको देखिए ध्यान से, ऑनर मतलब होता है सम्मान और नोबिलिटी मतलब होता है कुलीनता, तो उसी प्रकार से ह्यूमिलिएट मतलब होता है अवमानना, तो इसका आंसर क्या होगा डिस्करेज यानी कि कलंक, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि डिस्करेज कलंक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिस्ट लिखा हुआ और शोल्डर लिखा हुआ है,
यानी कि कलाई और कंधा, कलाई और क्या चीज, कंधा। तो उसी प्रकार से कलाई के बाद इधर देख रहे कंधा होता है, एकन मतलब टखना, टखना के बाद क्या आता है यहाँ पर, हिप यानी कि जांघ। आंसर हो जाएगा इसका हिप यानी कि क्या चीज, तो जांघ, ऑप्शन एक नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से एकदम फास्टली आंसर दीजिए। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं सर साइलोगिज्म का क्लास कब से स्टार्ट होगा। बाबू पहले एक चैप्टर समाप्त होता है, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। एक चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। 83 का आंसर बताइए। विकास कुमार बोल रहे हैं सबसे पहले 83 का डी। अमित यादव बोल रहे 83 का डी। विकास कुमार 83 का डी। रेशम कुमार 83 का डी। आयुष कुमार 83 का डी। विकास कुमार डी। रेशम कुमार डी। रेशम कुमार ओके। चलिए देखिए पे और रिसीव, पे और रिसीव बाबू एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। पे मतलब भुगतान करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार से वास मतलब होता है धुलना, यानी कि धोना कोई भी चीज, जब धोते हैं आप कपड़ा जैसे धोते हैं, तो उसी प्रकार से स्वाइल मतलब होता है मैला, यानी कि जब गंदा हो जाता तभी उसको धोते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका स्वाइल, ऑप्शन बी, ऑप्शन दो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रोज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोज तो पोइट्री, प्रोज तो पोइट्री दिया हुआ है, यानी कि गद तो पद, गद और पद, तो उसी प्रकार से कन्वर्सेशन तो बातचीत करना, तो उसी प्रकार से हो जाएगा क्या चीज, कन्वर्सेशन के बाद हो जाएगा सॉन्ग यानी कि गाना, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए आगे पेटी तो सीरियस, पेटी दिया हुआ है यानी कि नगण्य, और सीरियस मतलब अहम, यानी कि नगण्य का संबंध है अहम से। इसी प्रकार से येल मतलब चीखना होता, तो इसका आंसर हो जाएगा फुसफुसाना यानी कि विस्पर, ऑप्शन एक नंबर फुसफुसाना, ऑप्शन एक नंबर विस्पर फुसफुसाना। चलिए मेंड है और पैच है, मेंड है और पैच है, तो उसी प्रकार से बैंड है और वाट है, तो मेंड और पैच है, तो बैंड और वाट है। मेंड मतलब होता है मरम्मत और पैच मतलब होता है मतलब मेंड और पैच, ये दोनों का दोनों बाबू क्या समानार्थी शब्द है, दोनों का दोनों का अर्थ ही होता है मरम्मत। उसी प्रकार से बैंड, तो बैंड का मतलब होता है क्या चीज, तो बैंड का अर्थ मतलब होता है मोड़ना, यानी कि इसका ये हो जाएगा क्या चीज, साइनो इसका ट्विस्ट, ट्विस्ट हो जाएगा साइनो इसका, ऑप्शन चार नंबर, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, फिश तो एक्वेरियम, फिशेस तो एक्वेरियम यानी कि मछली, तो मछली घर, मछली को कहाँ रखा जाता था, मछली घर में रखा जाता है। उसी प्रकार से बर्ड्स, बर्ड्स दिया गया है यानी कि चिड़िया, तो बर्ड्स दिया गया चिड़िया, तो चिड़िया को कहाँ रखेंगे, एवियरी में यानी कि पक्षी घर में, एवियरी में यानी कि पक्षी घर में, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर, एवियरी पक्षी घर, ऑप्शन एक नंबर। चलिए आगे द कोल्सियम यानी कि इटली में स्थित है, द कोल्सियम कहां पर, इटली में स्थित है। उसी प्रकार से पेट्रा कहां है, तो जॉर्डन में स्थित है, यानी कि ये जो है बाबू क्या है, ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसीलिए पेट्रा कहां है, तो जॉर्डन में, ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए भारतनाट्यम तो तमिलनाडु, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्या है बाबू, नृत्य है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी नृत्य है बाबू आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन 90 नंबर, एरर तो ब्लंडर, एरर मतलब होता है गलती, एरर मतलब होता है बाबू गलती, और ब्लंडर मतलब होता है बहुत भारी गलती, बहुत बड़ा भूल, ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो जाता ब्लंडर, ब्लंडर से बड़ा गलती हम किसी को नहीं कह सकते। जैसे ही किसी भी गलती के सेंस में ब्लंडर शब्द यूज हो गया, तो उसके बाद उससे अधिक कोई गलती हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
तो एरर मतलब गलती, ब्लंडर मतलब भारी भूल, तो उसी प्रकार से हो जाता है स्प्लेंड, स्प्लेंड मतलब श्रेष्ठ, तो एक्सलेंटेड होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एक्सलेंट, स्प्लेंडेड यानी कि एक्सलेंट, एक्सलेंट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन चार नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। नेक्स्ट तो वर्ड इसका आंसर आप लोग बताएंगे, नेक्स्ट तो वर्ड 91 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन दे रहा सबसे पहले आंसर देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन दे रहा देखा जाए इसको, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, सबसे पहले इसका आंसर कौन देते हैं देखा जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, एकदम फास्टली आंसर दीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट तो वर्ड है, उसी प्रकार से व्हाट तो लायन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा इसका जल्दी जल्दी बताइए। तो शेर रहता है जैसे कि चिड़िया रहती घोंसला में, तो उसी प्रकार से शेर रहता कहां पर? गुफा में। आंसर होगा इसका डेन, डी ई एन, डेन गुफा, ऑप्शन चार नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्की लिखा हुआ है, विस्की लिखा हुआ है और डिलिशियसली लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि विस्की का जो निर्माण होता है बाबू डिस्टिलरी से होता है, उसी प्रकार से ब्रांड, ब्रांड ब्रेड का, ब्रेड का निर्माण कहां पर होता है? तो ब्रेड का निर्माण होता है बाबू बेकरी में, आंसर होगा इसका बेकरी, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस तो वेस्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो व्हाट, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना और वेस्ट मतलब बर्बाद करना, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट शब्द है ये, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब हो जाता है बाबू फर्क दिखाना, उसी प्रकार से उसका विलोम हो जाएगा क्या चीज, अपोजिट हो जाएगा मैच, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन दो नंबर, उसका अपोजिट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम, ग्राम तो ग्रेन, प्राउड तो व्हाट, पाउंड तो व्हाट, ग्राम है तो ग्रैंड है, ग्राम है तो ग्रैंड है, पाउंड है तो व्हाट है बताइए, ग्राम मतलब चना और ग्रेन मतलब अनाज, उसी प्रकार से पाउंड, पाउंड मतलब क्या होता है, पाउंड क्या चीज के लिए, तो भार के लिए, यानी कि वेट के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वेट, ऑप्शन दो नंबर, ऑप्शन बी। चलिए फुट तो टूज, हैंड तो व्हाट, फुट है और ट्विज है, यानी कि फुट मतलब होता है पैर, ट्विज मतलब होता है उंगली, उसी प्रकार से हाथ का उंगली होता है फिंगर्स, हैंड मतलब हाथ, उसका उंगली का होता है इंग्लिश में फिंगर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट तो पीक, एवरेस्ट तो यहां पर पीक है, व्हाट अब बताइए वहां क्या होगा, तो चोटी है, पीक मतलब होता है चोटी, तो एवरेस्ट क्या एक प्रकार का चोटी है, तो उसी प्रकार से जुपिटर क्या है, प्लेनेट है, जुपिटर क्या है बाबू, प्लेनेट है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन चार नंबर, ऑप्शन डी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, 97 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, 97 का आंसर क्या होने वाला है चलिए जल्दी से बताइए। माउथ तो इंसेक्ट, माउथ है और सॉरी माउथ बोल रहे, मोथ है, मोथ है और इंसेक्ट है, मोथ मतलब होता है तितली, तितली के जैसा ही कोई दूसरा कीट जो होता है वो चीज, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, उसी प्रकार से माउस, माउस मतलब होता है चूहा, तो चूहा का होता है क्या चीज, तो चूहा एक प्रकार का कृंतक जीव है, यानी कि कुतरने वाला जीव है, और कुतरने वाला जीव है यहाँ पर कौन, तो रोडेंट, ये रोडेंट है कुतरने वाला जीव, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर, यानी कि रोडेंट, ऑप्शन एक नंबर। चलिए नाइट ब्लाइंडनेस क्या लिखा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा गया है और उसके बाद लिखा गया है साइट, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा गया यानी कि रतौंधी, तो रतौंधी कहां होता है, साइट यानी कि दृष्टि से संबंधित है, उसी प्रकार से स्टटर, स्टटर होता है, स्टटर होता है क्या चीज, रुक रुक कर बोलना, तो रुक रुक का बोलना क्या होता है, स्पीच, यानी कि स्पीच यानी कि स्टटर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, स्पीच से रिलेटेड ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप लोग देंगे क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं आप लोग। 99 का आंसर बताइए जल्दी से। अमित यादव बोल रहे ए आंसर होगा 99 का। देखिए बाबू, बाहर बाहर से निकलना होता और बायबास मतलब होता है बच करके जाना, यानी कि दोनों एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है समझने योग्य और समझने योग्य अंडरस्टैंडेबल आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका एक नंबर ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एवलेंस, तो इसका दे रहा क्या चीज, हिमसंकलन। तो हिमसंकलन क्या होता है, बार बर्फ से होता है। तो उसी प्रकार से वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है बाबू ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो लावा आंसर होगा इसका ऑप्शन एक नंबर लावा। चलिए आगे बढ़िए, टीरर्स ट्रायल्स का मतलब होता है स्थलीय जीव, और एंट्स मतलब होता है चीटी, यानी कि चीटी जो है वो क्या है, स्थलीय जीव है। चीटी क्या है, तो स्थलीय जीव है। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पर उभयचर प्राणी होता है, एम्फीबियंस मतलब उभयचर प्राणी, और उभयचर प्राणी क्या है, तो फ्रॉग्स है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि फ्रॉग। चलिए आगे बढ़िए, यूएसए, तो डॉलर, यूएसए डॉलर, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका, यूएसए और डॉलर क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताइए। यूएसए डॉलर है तो टर्की क्या होगा, टर्की क्या होगा ये आपको बताना है। यूएसए से डॉलर तो टर्की, तो व्हाट, यूएसए डॉलर तो टर्की व्हाट क्या होगा आंसर इसका बताना आप लोगों को जल्दी 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 इसका आंसर बताए। यूएसए डॉलर तो टर्की व्हाट बाबू क्या होगा इसका आंसर, तो यूएसए डॉलर तो टर्की हो जाएगा क्या चीज, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका। यूएसए डॉलर है तो टर्की हो जाएगा बाबू, लीरा आंसर हो जाएगा, लीरा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए, टेनिस, तो कोर्ट, टेनिस हम लोग कहाँ खेलते हैं, तो कोर्ट में। टेनिस कहाँ खेलते हैं, तो कोर्ट में। उसी प्रकार से बॉक्सिंग कहाँ करते हैं बताइए आप लोगों को, आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसको आंसर बताना है क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है। टेनिस तो कोर्ट है, बॉक्सिंग व्हाट है, टेनिस कोर्ट है, बॉक्सिंग व्हाट है, जल्दी से आंसर बताइए। तो टेनिस बाबू कोर्ट में खेलते हैं, उसी प्रकार से बॉक्सिंग खेला जाता है कहां पर, रिंग में। बॉक्सिंग होता है कहां पर, रिंग में होता है बाबू बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक और हैन, कॉक है और हैन है, मुर्गा है और मुर्गी है। कॉक मतलब मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी, तो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड। स्टेग मतलब हिरन होता है, और डियर मतलब होता है, स्टेग मतलब होता है हिरन। तो उसी प्रकार से इसका, इसके फीमेल को कहते हैं बाबू हिंड, हिंड कहते हैं, हिंड आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो नंबर, हिरन का हिरनी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप ही को बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेस्ट बंगाल तो कोलकाता, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आंसर होना है इसका, जल्दी से आंसर बताइए। वेस्ट बंगाल तो कोलकाता, मेघालय तो व्हाट, मेघालय तो व्हाट, जल्दी से आंसर बताइए। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू मेघालय, मेघालय का आंसर क्या होगा बताइए, मेघालय का आंसर क्या होना है। वेस्ट बंगाल तो व्हाट, मेघालय का आंसर हो जाएगा बाबू क्या चीज, जल्दी से, शिलोंग आंसर होता है। अभी तुरंत हम इससे पहले जस्ट एक और क्वेश्चन में बताए थे, शिलोंग आंसर होगा ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल।